ये पुस्तक जो है अपने आप में नायाब है। मैंने आपसे ये बात कल भी कही थी, आज पुनः इसका मैं पुनरावर्तन करता हूँ। लेकिन इस पुस्तक के अंदर जैसे कि जो शब्दावली ली गई है, उस शब्दावली को आपको दूसरी पुस्तक के साथ में रेफरेंस रख के ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस पुस्तक में रहे हुए जो कुछ कहते नियम हैं, इन्होंने 18 प्रारंभिक नियम यहाँ पर बताए हैं। अब कैसे कैसे नियम काम करते हैं मैं आपको धीरे धीरे बात बताता हूँ। नैसर्गिक शुभ ग्रह भाव के शुभ कारकत्वों को बढ़ाते हैं और भाव के अशुभ कारकत्वों को घटाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जितनी छोटी सी बात लगती है उतनी बात छोटी नहीं है। हर भाव के कारकत्व आपको याद रखने पड़ेंगे, और जिसका अच्छा ज्योतिष वही बन पाता है जिसको ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेशन याद रहते हैं। भाव के सिग्निफिकेशन, ग्रह के सिग्निफिकेशन और राशि के सिग्निफिकेशन, ये तीन चीज जिसको याद हो गई और जिसका जिसको इसका समन्वय पता चलने लगा है वो मास्टर है, वो युद्ध जीत गया, वो ज्योतिष के अंदर सफल हो गया कहीं फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है स्लाइड, है। ये फुल स्क्रीन पे नहीं है स्लाइड। तो भाव के कारक तो आपको जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है इसको जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। कि भाव को कारकत्व को देखने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर पहला भाव आपका स्वास्थ्य भी बताता है, आपकी पर्सनालिटी भी बताता है। तो पर्सनालिटी अच्छी बताता है, पर्सनालिटी खराब भी बताता है, दोनों ही बात हो गई। जो आपका व्यक्तित्व है, अच्छा व्यक्तित्व भी बताता है, अच्छा स्वास्थ्य भी बताता है, बहुत सी चीजें वो बताता है। और सातवां भाव जो है वो सातवें से भी सातवां है। केवल अब देखोगे तो वो आपके सातवें भाव से भी सातवां भाव है। तो वहां पर भावात भावम के अनुसार वो सप्तम भाव के भी जितने सिग्निफिकेशन है उसको अपने आप में समाहित किए हुए। मैं आपको जो बात मैं बता रहा हूं वो सातवें भाव के भी जो सिग्निफिकेशन उसमें समाहित हो जाते हैं। पहले का भी पहला है और सातवें का भी वो सातवां भाव है। तो अगर वहां पर कोई शुभ ग्रह पड़ा है, बराबर है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो केवल आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, आपका लग्न जीवन भी अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के अंदर वहां पर और कोई अगर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन के अंदर वहां पर किसी और सप्तम स्थान पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो रहा है, लेकिन लग्न में शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आपका वैवाहिक जीवन साफ सुधर जाएगा। इफ योर लग्ना इज इंप्रूव्ड मीन्स योर मैरिड लाइफ इज ऑल्सो इंप्रूव्ड, इट इज को रिलेटेड विथ ईच अदर, इज कॉल्ड द भावात भावम सिद्धांत, इट इज द एक्सलेंट सिद्धांत, एक्सलेंट रूल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। भावात भाव कारक को हमको लेना है, कारकत्व मीन्स सिग्निफिकेशन ऑफ द हाउस, सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लेनेट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इफ नैसर्गिक मीन्स नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट इज डिपोजिटेड इन एनी हाउस, इट विल इम्प्रूव द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस
simultaneously it will decrease the malefic effect of that particular house. So Lagna is obviously good house, but second house, hello, suppose one planet is deposited in second house, it is a benefic planet, natural benefic वहां पर पड़ा हुआ है. तो दूसरा स्थान जो है उसका एक कारकत्व ये बनता है कि सप्तम से आठवां स्थान भी है, वो वहां पर आपकी पत्नी की बीमारी वगैरह सब कुछ को इंडिकेट करता है. तो वहां पर अगर शुभ ग्रह पड़ा है तो आपकी पत्नी बीमार नहीं होगी, आपके कुटुंब में अच्छा सब कुछ रहेगा, बराबर है. एक तो सुविधा बढ़ जाएगी, धन प्राप्ति होगी, अच्छा अच्छा सब कुछ जो कुछ है वहां पर, जो कारकत्व दूसरे भाव के हैं वो शुभ हो जाएंगे. उसके अशुभत्व अशुभ कारकत्व को देखने के लिए हमको उसको दूसरे भाव भावों के साथ में कनेक्ट करना होगा. तो आपको ये भावों का जो एक दूसरे से संकलन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, वो किसका छठा भाव है, वो किसका आठवां भाव है, बराबर है, वो किसका छठा भाव है, किसका आठवां भाव है. तो ये भी आपको देखना पड़ता है. तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए उसके जो अशुभत्व है उसमें कमी आ जाती है, शुभत्व में बढ़ा जाता है. और ये भी विशेषतर कब होता है, देखो यहाँ पर तीन पॉइंट उसने और दिए हैं. यदि शुभ ग्रह वहां पर स्थित है, पहली बात तो जो मैं अभी तक बोल रहा हूं, बराबर वहां पर स्थित है और उसी भाव का मालिक भी हो गया, वहां पर या दृष्टि कर रहा है और विशेष में अगर वो वहां पर स्थित है या वहां पर दृष्टि कर रहा है और उस भाव का मालिक है, तो वो भाव के कारकत्व में वृद्धि कर देगा. अब जहां पर बैठा है, अपने भाव में बैठा है, तो बैठ तो सकता है अपने भाव में कोई भी प्लैनेट, तो उसका मालिक हो जाता है. लेकिन कभी कभी उसका मालिक होता है, उसकी दृष्टि जो होती है वो अलग ढंग से होती है, वो अलग ढंग से होती है दृष्टि. उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए के धनु राशि वहां पर पड़ी है, दूसरे स्थान में धनु राशि पड़ी है, तो उसका मालिक तो गुरु हो गया और वो गुरु छठे स्थान में पड़ा है, छठे स्थान में पड़ा है, तो वहां से वो उस पर दृष्टि कर रहा है. अब उसका शुभ तो उसने बढ़ा दिया, वहां पर स्थित नहीं है. देखो छठे भाव में अगर मेष राशि पड़ी है, और आप उसको देखोगे तो फिर आपको वहां पर नजर आएगा गुरु की राशि, वहां नजर आएगी आपको. छठे भाव में यदि आपको ड्रॉ करूं थोड़ा कुछ यहाँ पर, कारण मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर वैसे भी हैं. हाँ सर, ड्रॉ कर सकते हैं. कैमरे पर हैं बाकी लोग जो कैमरा ऑफ करके. ये जो नियम है बड़े सरल नियम है, लेकिन पढ़ लो तो इसको समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो पड़ती है. ये आपको यहाँ पर कुंडली नजर आने लगी, हाँ सर दिख रही है, ना. अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये गुरु महाराज हैं छठे स्थान में, गुरु महाराज हैं और यहाँ पर जो राशि पड़ी है वो वृषभ पड़ी है. ये राशि वृषभ हुई, मेष लग्न है तो वृषभ राशि आई. गुरु महाराज की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है,
इसमें क्या लिखाएगा, उस भाव में स्थित होकर, या तो वहां पर स्थित है, स्थित होने वाली परिस्थिति तो बहुत समझ में सीधी आ जाती है कि शुभ भाव पड़ा हुआ है वहां पर, शुभ ग्रह पड़ा हुआ है, वो तो सरलता से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन उस भाव में शुभ ग्रह दृष्टि कर रहा है, पहला कंडीशन ये हुई, अभी एक दृष्टि गुरु महाराज की वहां पर गई, लेकिन वहां पर राशि उसकी नहीं है, वहां पर राशि उसकी नहीं है। देखो ये कंडीशन समझ लोगे तो समझ में आएगी, ऐसा नहीं है इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हम लोग ये 9 राशि रख दिया हमने, दृष्टि वहीं पर थी, हेलो, गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। अब गुरु की दृष्टि वहीं पर पड़ रही है, लेकिन गुरु के दूसरे भाव में दृष्टि पड़ी है, दूसरे भाव का शुभ फल पहले भी दे रहा था, लेकिन अब विशेष शुभ फल देगा। कोई प्रश्न है तो पूछो यहाँ पर सर। और अगर गुरु वक्री हो तो? देखो गुरु वक्री है, वक्री तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बहन। हेलो तनु बहन पूछो। सर ये सेकंड हाउस में तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन पढ़ा तो सिक्स हाउस में हुआ है। हाँ मैं इसमें यहाँ पर यही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। नैसर्गिक शुभ ग्रह भाव के शुभ कारकत्वों को बढ़ाते हैं और भाव के अशुभ कारकत्वों को घटाते हैं, ये पहली बात हुई। कैसे बढ़ाते हैं, उस भाव में स्थित होकर या दृष्टि द्वारा, या दृष्टि द्वारा। यहाँ पर देख रही हैं आप दृष्टि द्वारा? हाँ जी तनु बहन। हाँ जी, हाँ जी सर। ये भाव में स्थित होकर भी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, समझो समझा देता हूँ आपको एक एक करके, बराबर है। दृष्टि द्वारा विशेष में यदि वे इस भाव के मालिक हो तो और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब तो पहले मैं आप लगता है मुझे यहाँ पर कुछ सीनियर बैठे हुए नजर आए, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला, बराबर है, इसको मैंने घटा दिया पहले। अब चलो पहले हम लोग इसको पहले प्रिंसिपल को लेते हैं आप, प्लीज कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए, चाहे एक को आए लेकिन सही आनी चाहिए। तो ये क्या, ये पहला नियम आया उस भाव में स्थित होकर, हेलो। यस सर। तो ये देखो गुरु महाराज यहाँ पर स्थित हो गए, हेलो सर। यहाँ पे 9 है तो सेजिटेरियस हो गया ना? अभी रुकिए बहन, कुछ नहीं, पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भाव को पकड़ लो पहले। ओके बहन। ओके सर। ओके पहले आप एक भाव पकड़ लो कि भाव में स्थित है, दूसरे भाव में है, गुरु महाराज स्थित हैं। पहले एक बात को समझो, कंडीशन नंबर पहले बराबर है तो इस भाव के शुभ कार्यकत्व को बढ़ा दिया। ओके नियम 16 बहुत इजी है बहन, इतने कोई बड़े नहीं है, लेकिन जब तक उसको बिल्कुल क्लियर समझ नहीं पाओ तो मैंने कहा ना कि किताब बहुत बढ़िया है, इसको यूज कैसे करना है वो वाली बात है। हम लोग है ना कई श्लोक ऐसे फटाफट बोल जाते हैं, अगर बोल दे कि भाई श्लोक का अर्थ समझाओ। गौरव मैं क्लास में हूँ। श्लोक का अर्थ समझाओ तो इंसान के गग्गे गले में आ जाती है, जान प्राण गले में आ जाते, कंठ में प्राण आ जाते हैं। अब इधर देखिए, इसमें यह कहता है का नैसर्गिक शुभ ग्रह भाव के शुभ कारकत्वों को बढ़ाते हैं और भाव के अशुभ कारकत्वों को घटाते हैं, ये पहला नियम हो गया। कब? उस भाव में स्थित होकर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरे भाव में हमारा गुरु स्थित है, हेलो। ठीक है सर। चलो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं ये सब ये नहीं करता हूँ, एक दो मिनट रुक जाइए, यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ, चलो ठीक है।
यह गुरु दूसरे भाव में स्थित हो गया, ठीक है, जुपिटर इज डिपोजिटेड इन द सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, बराबर है। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है इसको ये इसके शुभ कारकत्व को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर वाणी, विद्या, ये सब आपका अच्छा हो गया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। अब इसके साथ में हमको ये दूसरी लाइन जो है ये भी जोड़नी है। ये दूसरी लाइन क्या है यहाँ पर? विशेष में यदि वे इस भाव के मालिक हैं तो, बराबर है। yes. भाव का मालिक कब बनेगा ये सर? अगर यहाँ सेजिटेरियस हो या पाइसिस हो। यस, देयर यू आर राइट। यहाँ पर ये दो चीज आ गई। सेजिटेरियस और पाइसिस है तो, बात समझ में आ गई? राइट सर। अब ये क्या हो गया, इसकी इस भाव को और भी ज्यादा एनहेंस कर देगा ये। ये तो पहली बात हो गई जो बिल्कुल सर्वसम्मति वाली बात है। अब ये हर जगह ये लागू पड़ेगी। जहां पर गुरु पड़ा है उस भाव के शुभत्व में वृद्धि करेगा, उस भाव के अशुभत्व में कमी करेगा, बराबर है? यस सर। और अगर वो अपना स्वग्रही है, जिसको हम लोग दूसरे अर्थ में कहते हैं स्वग्रही है, तो और भी अच्छा होगा। ये नंबर एक आ गई बात यहाँ पर, क्लियर? यस। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो, गुरु यहाँ पर पड़ा हुआ है तो गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? सिक्स्थ हाउस। सिक्स, एट एंड टेन, यहाँ पर जा रही है दृष्टि। यस सर। अब अपने इसको बढ़ाएंगे भाई। देखो, नियम पढ़ना बहुत आराम से है, जब उसको अप्लाई करते हैं बैठकर तब बहुत दिक्कत पड़ जाती है। अब चीज वो के वही है, गुरु वहीं पर रहा, रख दिया मैंने, वहां से इसको हिलाया नहीं। अब यहाँ पर भी वही बात आएगी कि यदि ये गुरु इन भावों के कारकत्व में भी, अब यहाँ पर ये जो दूसरी वाली कंडीशन है बहन, ये दूसरी वाली कंडीशन या दृष्टि द्वारा, फिर दूसरी वाली कंडीशन में भी विशेष में इस भाव का मालिक हो, विशेष में भी इस भाव का मालिक हो। छोटे छोटे नियम है, देखो समझने की बात आती है, जब इसको एक्सपांशन आता है करना तभी हम लोगों को दिक्कत पड़ जाती है। वहीं पर जब नहीं कर पाते तो कई दिनों तक हम लोग ज्योतिष तो सीख जाते हैं, फिर ज्योतिष के बाद में हम लोग कहते हैं भाई ज्योतिष आ नहीं रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। ज्योतिष क्यों पकड़ में आएगा? ज्योतिष पकड़ने वाली चीज थोड़ी, ज्योतिष समझने वाली चीज। आ गई, समझ गए, बात पूरी हो गई। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है इतनी जगह, तो इन भावों का ये शुभ करेगा। हम लोग इसको उठा के शुक्र भी रखेंगे, भी चिंता मत कीजिएगा। ये गुरु को रखकर मैं थोड़ा एक्सपांड इसके लिए कर रहा हूं ताकि आपको सूत्र पता चले। और इस प्रकार जब कोई सूत्र को आप तोड़ोगे, एक एक नियम को, एक एक नियम को रखकर समझा कर रखोगे, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए होता है कि भाई दो चीज होती है, एक तो किताब गुरु होते हैं, हमारे अहमदाबाद में हमारे कई गुरु हैं, वो कहते हैं किताब बहुत सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन किताब की सबसे बड़ी खासियत एक है, कमी एक है कि किताब जवाब नहीं देती। अगर आपको समझ में नहीं आई तो किताब बोलेगी नहीं, यहाँ तो तनु बहन ने पूछा साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, तो भवरिया बैठा है समझा रहा है, ट्राई कर रहा है अपनी बेस्ट, बराबर है। किताब नहीं जवाब देती। अगर किताब में गलती से कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो किताब को भी पढ़ते जाओ, फिर आप कहीं से कहीं निकल जाते। बस ये किताब की एक खासियत होती है, और किताब को पढ़ना भी जब बहुत एक अपना स्तर आ जाता है, छीन निर्विवेक होने लगता है आपका, तो भी किताब भी काम करने लगती है।
फिर आपकी किताब भी काम करने लगती है, जब क्षीर निर विवेक आ जाता है तो किताब भी काम करने लगती है, फिर आपको पता चल जाता है यहाँ पर ये जो छपा है कुछ गलत लगता है, इसकी जगह ये होना चाहिए, ये क्षमता आप में भी आ जाएगी। ऐसा नहीं कुछ थोड़ी बहुत 2-5% मेरे में डेवलप हो गई है, आप में जल्दी हो सकती है, बराबर, ये कभी भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर गुरु की इन तीन भाव पर दृष्टि गई तो इन तीन भाव का शुभत्व बढ़ेगा, बराबर है, और अशुभत्व घटेगा। इसमें भी यदि यहाँ पर 9-12 हैं तो अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर भी 9-12 हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पर भी 9-12 हैं तो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे हम लोग। अब यहाँ अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव तो आप लोगों को पता चलता होगा लग्न से गिनना है, ये पहला भाव है। देखो मैं समझाता हूँ तो ये समझता हूँ, सामने बिल्कुल मूर्ख बैठे मेरे, और जब सीखता हूँ तो समझता हूँ आप लोगों से बढ़िया कोई है नहीं, गुरु नहीं है मेरा, दोनों बात है, बराबर है, समझ लेता हूँ मैं, बोलता हूँ आप बिल्कुल समझ गए, आप बहुत विद्वान है, लेकिन अब समझाता हूँ तो समझ लेता हूँ कि इनको कुछ नहीं आता, इनको ज्योतिष नहीं आता है, ऐसा समझ के समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। आप पागल समझना, बिल्कुल समझना माफ कीजिएगा, कोई ऐसी कुछ इच्छा नहीं है मेरी, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव कैसे गिना जाता है, लग्न ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, आठवें भाव पर गुरु की दृष्टि गई। अब नियम हमारा वही है, क्या क्या शुभत्व को बढ़ाता है, अशुभत्व को घटाता है, तो यहाँ पर बहुत से अशुभत्व देखे जाते हैं, बहुत से अशुभत्व देखे, अष्टम भाव आ जाता है तो मृत्यु भी आ जाती है, इंसान के पेट में पानी का खोला पड़ जाता है, आठवां भाव आता है तो हेलो। लेकिन इसके कई शुभ भाव भी हैं, आठवां भाव चौथे से चौथा है, सॉरी चौथे का पांचवा है और पांचवें का चौथा है, सॉरी पांचवें का फिफ्थ टू फोर्थ एंड फोर्थ टू फिफ्थ। हाँ, तो सुख का, सुख की विद्या और विद्या का सुख, सुख की विद्या और विद्या का सुख भी वहीं पर निहित है, बराबर है। आपको मिलने वाली धन संपत्ति, आपके पति का या पत्नी का जो धन है वो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ये सब एवरीथिंग यू आर फाइंडिंग फ्रॉम एट्थ हाउस। सो एट्थ हाउस बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट, तो वहां पर वो चीज अच्छी हो जाएगी, और जो मृत्यु वृत्ति का, मौत का संकट है, बीमारी है, और ये सब चीजें कम हो जाएंगी। गुरु की दृष्टि वहां पर है तो मृत्यु का संकट कम, बीमारी कम, पति के आय में दूसरों से प्राप्त होने वाले आवक, इनकम, वो सब बढ़ जाएगी, और ये जो अशुभ चीजें हैं वो घट जाएंगी। सर क्लास में छू पी फोन करूँ, हेलो, यस सर। और इसमें भी अगर वहां पर धनु और मीन राशि है तो फिर सोने में सुगंध हो रही, बोलिए। यहां तक जिसको समझ में नहीं आया, ये सूत्र हमको पहले समझ लेना है, ये 18 सूत्रों में से जितने भी सूत्र होंगे उतने में आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अभी इसको और भी एक्सपेंशन करना है, अभी बाकी है। सुधाकर जी, सर नमस्ते। नमस्ते भरत भाई, समझ आ गया सर? आ गया, आगे बढ़े, बिल्कुल सर, ठीक है, अगला स्टेप ले लेते हैं। अब यहाँ पर
सर जैसे हमने बोलिए बोलिए सर जैसे सर हमने एग्जांपल के लिए बृहस्पति लिया है, जुपिटर लिया है सेकंड हाउस में, कि वहां पे सपोज कर रहे हैं हम सेजिटेरियस या पाइसेस साइन है, सपोज नहीं कर रहे हैं, इन एडिशन टू दैट दे रहे हैं। राइट राइट। अगर उसकी हम ये तीन दृष्टियां ले रहे हैं, पांच में, सात में और नौ में, जो तीन दृष्टियां हैं उसकी, तो उस हिसाब से वहां पे मेष, मिथुन और सिंह राशि बनी। नौ बारह तो आ नहीं ना सकती, अगर हम उस हिसाब से। नौ बारह नहीं आ सकती, कैसे नहीं आ सकती भाई? हेलो, अगर लियो सेंडेंट हो तो एर्थ हाउस में मीन आ जाएगी। वो उस एक एग्जांपल से मैं जस्ट बात करना चाह रहा था कि एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। आप बोलिए बोलिए। ओके, हम सर जुपिटर की ले रहे हैं, तो वहां पे अगर मेष, मिथुन और सिंह राशि आ रही है तो गुरु के लिए तो वो तीनों फ्रेंडली प्लेनेट है। मैं आपको पहले एक बात, मैंने आपसे एक बात कही, चलो कोई राशि भी आती है, एक्स वाई जेड कोई भी राशि आती है, हेलो हाँ जी हाँ, पहली कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर रख के बताई है वाली। पहली कंडीशन तो यह है कि उसकी जहां शुभ ग्रह की जिस भाव में पड़ा उस भाव का एनहेंस कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर यह भरा पड़ा हुआ है, इस भाव का एनहेंस कर रहा है जी। बराबर है, इसके शुभत्व को बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर देख रहा है इसके शुभत्व को बढ़ा रहा है, ये पहली कंडीशन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली कंडीशन समझ लो। प्रथम कंडीशन, नैसर्गिक शुभ ग्रह भाव के शुभ कार्यकत्वों को बढ़ाता है, भाव के अशुभ कार्यकत्वों को घटाता है, ये तो प्राइम टाइटल हो गया हमारा। अब इसकी सेकेंडरी कंडीशन है, हेलो, भाव में स्थित होकर, कहां कैसे, उस भाव में स्थित होकर जहां पर है उस भाव में बैठेगा, उस भाव के बराबर है, या दृष्टि द्वारा, ये दो चीज हो गई। अब ये यहाँ पर हम लोगों ने दो कंडीशन हम लोगों ने ले ली, ये चार जगह मैंने चार टिक मार दी ग्रीन जी। बराबर है, ये तो पहली पहली कंडीशन। उसके बाद में ये लिखता है, विशेष में यदि इस भाव का मालिक हो, जिस भाव को ये एनहेंस करता है, अगर उसका मालिक है तो ज्यादा विशेष एनहेंस करेगा। ठीक, बात समझ में? यहाँ पर अब बिल्कुल, अब यहाँ पर गुरु की हमारी दो राशियां हैं जी, दो राशियां हैं इसके लिए, ये बढ़िया से अब मैंने दोनों एक साथ में लगाई, या धनु होगी या मीन होगी, दूसरे भाव में धनु मीन आ गई, छठे भाव में धनु मीन आ गई, आठवें भाव में धनु मीन आ गई, दसवें भाव में धनु मीन आ गई। अब धनु मीन वहां पर रखने के बाद में तो वो कौन सा लग्न बनता है वो आपको देख लेना है। हेलो जी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ये वृश्चिक लग्न है तो दूसरे भाव में धनु राशि आ गई जी, ये कुंभ लग्न है तो दूसरे भाव में धनु राशि आ गई। इसी तरह आप यहाँ पर अलग अलग लग्न के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर ये बात बनेगी जी। ये तो हम लोगों ने दूसरा भाव रखा है जी। इसको किसी भी भाव में रखोगे गुरु को, तो उस भाव को भी शुभ करेगा, जहां पर दृष्टि कर रहा है वहां पर भी शुभ करेगा। अगर जिस भाव में बैठा उसका मालिक बन गया तो शुभ करेगा, जिस भाव को देख रहा उसका मालिक बन गया तो शुभ करेगा। बराबर, कुछ नियम ऐसे हैं, इनको सटासट बोल देना बहुत इजी हो जाता सर, जब समझाने बैठो ना तो थोड़ी कष्ट मेरे को ज्यादा पड़ते। बराबर है। अब इसके बाद में अब दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं। अब पहली वाली कंडीशन तो अगर गुरु स्वग्रही है, दूसरे भाव में बैठा है तो बात अलग है। बराबर है, अगर वहां पर दूसरे भाव में नहीं बैठा है, दूसरे भाव में तो बैठा है, सॉरी दूसरे भाव में बैठा है लेकिन स्वग्रही नहीं। अब बहुत शांति से समझ लो इन चीजों को, छोटी सी चीजें हैं, बड़ी नहीं है। दूसरे भाव में बैठा है, वहां स्वग्रही नहीं है। बराबर है। अब भरत भाई आप बोलिए, कौन सी राशि का है वहां पर, वहां पर कौन सी राशि पड़ी है, राशि बता दो कोई भी सर। सर और कारक ले लीजिए,
कर्क ले लीजिए, कर्क 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 ले लीजिए, हाँ एक मिनट, हाँ कर्क ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये कर्क राशि ले ली, बराबर है। अब ये कर्क राशि का बैठा है, बहुत शांति से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन है, उस भाइयों के स्वामी के साथ युति या दृष्टि संबंध हो, बराबर है। तो हम लोग अब यहाँ पर चंद्र को बढ़ाते हैं, बराबर है। तो चंद्र हमारा मून, मैं केवल एम से इंडिकेट करूंगा यहाँ पर, मून यहाँ पर पड़ा है, बराबर है, या मून यहाँ पर पड़ा है, या मून यहाँ पर पड़ा है, या मून यहाँ पर पड़ा है। अब पहले एक मिनट के लिए एक बात समझ के चलना, अभी मैं इसको और आगे बात छोटी सी है, चल बात निकली आगे जाएगी। अब इसका मालिक जहां पर पड़ा है उसका मालिक कौन है, चंद्र है। तो उस चंद्र उस भाव के स्वामी के साथ में, वहां पर अगर चंद्र वहीं पर पड़ा है तो उसके साथ में युति कर रहा है। अगर चंद्रमा छठे भाव में पड़ा है तो उसके साथ में दृष्टि संबंध कर रहा है, अगर आठवें में पड़ा है तो भी दृष्टि संबंध कर रहा है, दसवें में पड़ा है तो भी दृष्टि संबंध। अगर आठवें में पड़ा चंद्र है तो एक फायदा और इसमें आप जोड़ सकते हो कि परस्पर दोनों दृष्टि करते हैं, नहीं तो वन साइडेड प्यार है जी। तनु बहन समझ में आ गई बात? यस सर, 8-8 हो गया ना, हाँ दैट्स व्हाई बोथ कॉम्बिनेशन हो गया, वो उसको देखना वो उसको देखता, वो दृष्टि संबंध थोड़े प्रगाढ़ हो गए दोनों तरफ से हो गया, बराबर है, ये दृष्टि संबंध हो गए, बराबर है। यस सर। तो भाव के उस भाव के स्वामी के साथ में युति हो या दृष्टि संबंध हो, ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई। अब दूसरे भाव का कारक कौन कौन है, आप कौन बताएगा कारक कौन है? सर अगर कैंसर है तो मून ही रहेगा ना। हाँ है, कैंसर है अगर तो भाव का कारक सर वीनस, सर जीना, सर जुपिटर, वीनस है सर, जुपिटर 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 वहां पर जुपिटर कारक भी बन जाता है। राइट सर, भाव के कारकत्व में कौन से दूसरे भाव के कारक कौन ग्रह बनते हैं? ऑनर वीनस हो गया और कारक जुपिटर हो गया। हाँ सर, ऑनर वीनस हो गया अगर सिर्फ सेकंड हाउस ले तो, विदाउट एनी राशि। ऑनर तो डिपेंड करता है आपके लग्न पर। राइट सर, ऑनर कारक तत्व में चेंज होता तो जुपिटर है ना, कारकत्व दूसरे भाव का कारक तो गुरु ही आएगा मेरे ख्याल से, प्राइम। यस यस सर, बराबर है। लग्न का कारकत्व तो किसको दिया है सर? सूर्य को, वो अगर मेष गुरु को, मार्स ऑनर हो गया और सूरज कारक सर सूर्य। धीरे 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 धीरे, मार्स एंड सन, सन मार्स तो ऑनर हो गया ना अगर मेष राशि होगी तो। अरे भाई मेष नहीं, वहां पर वृषभ रख देता हूँ, चलो तो कारक कौन बनेगा? कारक तत्व तो सन ही रहेगा ना सर। है कारक तत्व तो सन ही रहेगा, वीनस रहेगा। लग्न का कारक कौन है सर? सन, सन सन है ना, सूर्य, सूर्य है और गुरु भी है, गुरु भी है। गुरु बहुत जगह का कारक है, एक बात याद रखना धीरे से। 2, 5, 9, 11, 12 गुरु का पक्का खाना दूसरा का भी होता है। 9 का भी होता है। अब ये देखो पहला सूत्र कितना बड़ा गड़बड़ है, मैं आपको बोलता हूँ ना, ऐसे नहीं, कोई भी सूत्र तो सूत्र होते हैं, एक बार पढ़ लिया याद कर लिया सूत्र पूरा हो गया, नहीं उसको सूत्र को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार यही बोलता हूँ।
देखो हम लोग पहले सूत्र से दूसरे सूत्र की तरफ जा नहीं पा रहे, मैं आपको धीरे से समझा रहा हूँ। इसके लिए निकालना निकाल दो, पढ़ के निकल जाओ, चलो दैट्स ऑल, पढ़ गया क्या मतलब है? तो कारकत्व, अब जैसे यहां पर अब आगे सारी की सारी बात है कि जहां पर दृष्टि रखता है उसके कारकत्व। देखो इस सूत्र को देखोगे तो सूत्र इतना इजी नहीं है, पहला ही सूत्र है, इतना इजी सूत्र नहीं है। तो आप जितना हम लोग पढ़ के निकल गए सट 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 सट, इसके कारकत्व तो आपको प्रत्येक ग्रह के याद रखने पड़ेंगे। जो है वहां पर जाके बहुत बड़ा आपको वो लगेगा। छोटी सी बात बोलता हूँ, दसवें भाव के कारकत्व तो कौन कौन से हैं पहले बताओ। चलो तो सारे प्लैनेट्स सारे सैटर्न सूर्य शनि सैटर्न है बृहस्पति सैटर्न शनि बृहस्पति और मर्क्यूरी बुध। हाँ जी ये चार कारक हैं दसवें भाव के। तो कौन कौन से हैं? सूर्य बुध गुरु शनि। अब यहां पर ये जो तीसरा वाला जो है, अब गुरु, अब एक मिनट देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे देखिए। चलो आगे बढ़ो। हम केवल और केवल अभी अष्टम भाव को देख रहे हैं, बराबर है? अष्टम भाव का कारक तो शनि है, ये तो सर्वमान्य बात है कि नहीं है? है? Yes, sir. अष्टम भाव का शनि, अभी ये तो मैंने गुरु के एस्पेक्ट में रखा है, इसके एस्पेक्ट के बिना भी अगर मैं रखना चाहूं तो यहाँ पर रख दो और शांति से समझो, बहुत शांति, एक सूत्र भी समझ जाओगे, बाकी के सारे सूत्र समझने में आपको बड़ा मजा आ जाएगा, मैं इतना बोलता हूँ। खाली मेरा क्या बोलते हैं, आपको डराना धमकाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आप अच्छी तरह से एक सूत्र को समझ जाओगे, एक सूत्र के समझने से आपको न जाने कितना ज्योतिष आ जाएगा। अब ये देखिए, इतनी जगह शनि बैठा है तो भी अष्टम भाव का गुरु अच्छा करेगा, अष्टम भाव का अच्छा करेगा, इतनी जगह बैठा है, और दशम भाव का भी अच्छा करेगा।
शनि गुरु की दृष्टि कहां पर है? अष्टम भाव में है, बराबर है। पहले गुरु बैठा है दूसरे भाव में जुपिटर के साथ, वहां पर, लेकिन कारकत्व वाला नियम नहीं लागू पड़ता है। सर सैटर्न जुपिटर के साथ बैठे तब भी जुपिटर अच्छा करेगा। अरे बहन किसका अच्छा करेगा? दूसरे भाव का नहीं करेगा सर, एट्थ और टेंथ, एट्थ और टेंथ का। एग्जैक्टली यू आर राइट। एंड सर व्हाई नॉट सिक्स? अरे वो वहां पर तो जो भी करेगा वहां अच्छा करेगा, दूसरे भाव का वहां पर पाप ग्रह पड़ाया वो मिश्रित फल देगा, वो बात की बात है। चीज को धीरे धीरे समझोगे आप लोग पक्के आगे निकल जाओगे इसके अंदर। मैं आप लोगों को मैंने कहा ना हंगामा बरपाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल आपको सिखाना है। अब ये गुरु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है उसका भला करेगा, नवम दृष्टि से दसवें भाव को देख रहा है उसका भला करेगा। उनके मालिक के साथ में नहीं है, लेकिन उनके कारकत्व के कारकों के साथ में उसकी दृष्टि पड़ती है, बराबर। उनके कारक की दृष्टि उस पर पड़ती है। अब इतनी परिस्थितियां हैं, अब यहां से मैं कुछ घटा भी दूंगा तो भी आपको लगेगा कि भदौरिया जी आप तो कहां से कहां ले जा रहे हो बात को। चलो ये इसको मैंने यहां से घटा दिया, बराबर, इसको यहां से भी घटा दिया। हेलो, हाँ जी सर। फिर भी ये गुरु छठे भाव का भी अच्छा करेगा, आठवें का भी अच्छा करेगा, दूसरे का भी अच्छा करेगा, दसवें का भी अच्छा करेगा, लेकिन आठवें और दसवें का विशेष तौर पे अच्छा करेगा। चलो बोलो। बात समझ में आई? आठवें और दसवें का विशेष तौर पे अच्छा क्यों करेगा? क्योंकि कारक है, कारक तत्व का तो कारक तत्व है। हाँ, कारण के आठवें और दसवें के कारकत्व के साथ में इसके दृष्टि संबंध बनते हैं। सर छठे का भी तो कारकत्व है शनि के पास। मना नहीं किया छठे का, मैंने आपको ये नहीं बोला छठे का कारकत्व शनि को नहीं है, मैंने ये मना नहीं किया। मैंने आपको पहला बोला ये दो के तो छठा, ये छठे हुए कारकत्व है इन दोनों के, आठवें और दसवें का तो शनि कारक है और है पक्का, बराबर, विदाउट फेल जिसको बोलते हैं। तो मैंने समझाने के लिए अभी सब चीज को एक साथ में समझाऊंगा तो क्लिष्ट हो जाएगी बात। तनु बहन, यस सर, भाई क्या बात है, कुछ ज्यादा बोल गया दीपेश परमार भाई, सूचे नहीं? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। छोटी सी बात हो गई, बिल्कुल छोटी सी बात थी। सूत्र अभी पहले ही चला है, बाकी के सारे सूत्र भी हम लोग लेंगे, पढ़ाना होगा। मैं इस तरह से आपको कभी भी कोई भी वर्ग के अंदर पढ़ना है तो आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा। जब इस तरह से आप किसी भी कुंडली को देखने लगोगे धीरे धीरे, एक के बाद दूसरी चीज। नीता बहन बराबर, एकदम बराबर सर, बिल्कुल बराबर छे, एकदम बराबर। तो सूत्र एक नंबर नु सूत्र समझवा माटे एना तन पेटा विभाग था, और वन रूल देर इज थ्री सब रूल, एंड अमोंग थ्री सब रूल देर आर टू और थ्री अनदर सब टू सब उपा उप, जिसको बोलते हैं कृष्ण मूर्ति भाषा में उपा उप, उपपति हो गए, बराबर है। चलो चलते हैं हम लोग आगे, इसमें से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक बार देख लूं जरा सब लोग
आश्वस्त हैं थोड़े या नहीं है? सर मेरा एक डाउट है। हाँ समृद्धि बोलो। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि टेंथ हाउस के सन मरकरी जुपिटर और सैटर्न कारक तत्व है, तो बाकी सारे जो हाउसेज हैं या बाकी सारे जो भाव हैं उन सबके कारक तत्व और भी हैं क्या या सिर्फ? हाँ तो सब है ना बहन, एक अभी अपने कारक तत्व का नहीं है, ये अपना पीरियड कारक तत्व का नहीं है। हाँ जी, तो सर फिर फोर्थ पॉइंट क्लियर कैसे होगा जो अभी आपने बताया? बहन हर चीज के कारक तत्व आपको सीखने पड़ेंगे बहन, ये तो पुस्तक का मैं आपको विमोचन वो क्या बोलते हैं रिव्यू दे रहा हूँ। जैसे सूर्य जो है पहले भाव का कारक है जी। गुरु दूसरे भाव का है, गुरु पांचवें भाव का भी कारक होता है जी, गुरु सप्तम भाव का भी कारक है, शुक्र सप्तम भाव का कारक है, बुध को लोग दूसरे भाव का भी कारक लेते हैं, दसवें भाव का भी कारक लेते हैं, ये सब कारकत्व जो है, कारकत्व तो बहन आपको सीखना पड़ेगा। तो बिना कारकत्व सीखे आपका फाइन ट्यून नहीं हो पाएगा कभी ज्योतिष में। ग्रह के भी सैकड़ों कारकत्व निकलते हैं, भाव के कई निकलते हैं। कारकत्व के लिए सबसे अच्छी पुस्तक आप देखो तो उत्तर कालामृत है। सर दोबारा बताइएगा। उत्तर कालामृत कार का तो हर पुस्तक में दिए रहते हैं, हर जगह दिए रहते हैं। जो गुजरात से लोग हैं हमारे यहाँ पे भावशील और ग्रहशील नाम, हम लोगों को मार्गदर्शिका नाम का एक ग्रंथ है, वहां पर भावशील ग्रहशील मिल जाए उसमें आप देखो तो दुनिया भर के कारकत्व ग्रह के मिल जाएंगे। ग्रह से क्या क्या देखोगे, इतना सब कुछ मिल जाता है कि हम लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कारकत्व तो आपको बहन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बस इतना मैं कहता हूँ। ये तो पहला है, इसमें इतना मैं इसको आप लोगों को क्या बोलते हैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्साह प्रेरणा दे रहा हूँ आपको, मोटिवेट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू। एंड अब यहाँ के बाद में जब साउथ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो साउथ के कारकत्व और भी जुड़ते हैं, साउथ वाले और भी कुछ कारकत्व लेते हैं एक एक चीज के, और कारकत्व तो भाई बहुत जरूरी है, बिना उसका आप कैसे बोलोगे। आपने बोल दिया, एक बात बता दी, उदाहरण के तौर पर मैं देखो भावात भावम बहुत कुछ बोलता है, हर कोई बोलता है। सॉरी किताब बहुत अच्छी है, मैं आपको एक लाइन में बोल दिया, इसके बहुत से सूत्र अच्छे हैं। एक भावात भावम की थियरी में आपको एक दो मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो आपको मैं एक बात बोलूंगा कि जितने भी ऑड नंबर हैं भाव, ऑड भाव, तो ऑड भाव कौन कौन से होंगे, एक, एक तीन, पांच, तीन पांच सात नौ ग्यारह। हेलो जी सर, अब मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं छोटी सी, आप लोग खुश हो जाओगे सारे के सारे। मैंने कहा लग्न जो है, लग्न जब भी डिस्टर्ब होता है तो समझने का सप्तम भाव आपका हिला, लग्न में चेंज हुआ तो सप्तम भाव हिला, बराबर है? कारण के लग्न जो है, इसलिए देखिए आपकी आइडेंटिटी बदलती है, सप्तम भाव हिलता है, सप्तम से सप्तम लग्न है, इसके लिए आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप पहले एक होते हैं सिंगुलर, जैसे ही शादी होती है आपकी आइडेंटिटी पहले हिलती है, हो जाती है, हिलती है कि नहीं हिलती, देखिए एक दूसरे को मिलाओ। तीसरा भाव जो है दूसरे से दूसरा है, वो आठवें से आठवां है। तीसरा भाव, थर्ड हाउस इज सेकंड फ्रॉम सेकंड एंड एट्थ फ्रॉम एट्थ। ओके, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी द थर्ड हाउस, यू आर गोइंग टू एनालाइज थर्ड हाउस, नेवर थॉट यू आर लुकिंग ओनली थर्ड हाउस,
मे बी रिजल्ट ऑफ सेकंड हाउस इज देयर, मे बी रिजल्ट ऑफ एट्थ हाउस इज देयर. यू आर प्रिडिक्टिंग फॉर ओनली वन हाउस बट साइमल्टेनियसली अनदर हाउस इज कनेक्टेड विद दैट. यू आर फॉरगिविंग दैट थिंग. इफ यू फॉरगॉट दैट थिंग यू मिस सो मेनी थिंग्स. ओके सो फिफ्थ हाउस अगेन फोर्थ इज not connected with anything. Okay, so because I have told you that odd bhava is the most important for bhavat bhavam. Bhavat bhavam, you have listened lot of thing about the bhavat bhavam, but how to apply bhavat bhavam, it is not given anywhere. Okay, so fifth house, it is third of third house. Okay, and ninth of ninth house. Okay, so if you are evaluating fifth house, it could be you will get the result of third house in fifth house, you will get the result of ninth house in fifth house. And again I say, third house is the second eighth of eighth. So again, it is connected with some multiplying. We are multiplying. Bhavat bhavam is multiplying with each other. Okay. Don't worry. Please be with me. So seventh house. Hello. Yes, sir. It is the fourth of the fourth and tenth of the tenth. Okay. If I am not wrong. So, right. You will get the result of the fourth house somewhere in the seventh house. You will get the result of tenth house somewhere in the seventh house. Ninth house is the fifth of the fifth. Fifth from the fifth house. Okay. Panchme ka panchma hai. Aur gyarme ka gyarma hai. Gyarme ka gyarma hai. Yeah. है कि नहीं है? है पक्का है, बराबर है. इसके आगे चलते हैं. ग्यारहवां स्थान, इलेवेंथ हाउस, इज इट ट्वेल्थ फ्रॉम द ट्वेल्थ. हेलो जी सर. सिक्स ऑफ द सिक्स. सो मेनी पीपल, सो मेनी एस्ट्रोलॉजर फाइंडिंग इलेवेंथ हाउस मीन become so happy. अरे हो गया. अरे क्या हो गया, कभी रोग भी हो गया, कभी दवा खाना भी हो गया, कभी एक्सीडेंट भी हो गया, कभी मृत्यु भी हो गई. Anything could be happen. So we are not in position to foretell everything from. So we have so many possibilities. That I have explained some of them. पहला सूत्र ही हमारा जो है लाइट ऑन लाइफ का लिस्ट है. मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की. अब हम लोग दूसरे सूत्र की तरफ चलें या इसमें कुछ बाकी है तो पूछ लो. भरत भाई बोलो. अच्छा रहा सर, समझा, जितना समझाया सर अच्छा लगा. थैंक यू समृद्धि बहन. जी सर बहुत अच्छा था. आगे बढ़े. हाँ जी सर. नैसर्गिक शुभ ग्रह किसी ग्रह के शुभ कारकत्व को बढ़ाते हैं और ग्रह के अशुभ कारकत्व को घटाते हैं. उस ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध हो तो. फिर से एक बार हम लोग
इस बात को थोड़ा सा गहन में कहने को समझा दिया मैंने, एक दो मिनट लगे इतनी बात हुई, बराबर है। अब शुक्र ने क्या किया यहां पर? सैटर्न के साथ कंजंक्शन, कंजंक्शन कर लिया, बराबर है। तो अब शनि के जो शुभ कारकत्व है उसको बढ़ा दिया, अशुभ कारकत्व को घटा दिया। तो अशुभ कारकत्व शनि के क्या लोगे आप? मोटे मोटे पर ले रहा हूं, अभी सारे नहीं ले सकता भाई, मेरी ये कक्षा नहीं है ये हमारी, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं बस खाली। तो शनि का कारकत्व है बीमारी, देरी, बराबर है, ये इसके अशुभ कारकत्व हैं। अब इसमें कमी कर देगा, बराबर, कहीं पांव के संबंधित बीमारी, कहीं घटिया गठिया रोग जिसको बोलते हैं गाउट्स वगैरह, वो सब है, वो सब नहीं होंगे, बराबर है। और शुभ कारकत्व क्या है आपका कार्य? हेलो, अनुशासन सर। हाँ, प्रशासन, नौकरी, पेशा, ये सब उसके शुभ कारकत्व है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, बराबर। इसके साथ में अगर दृष्टि संबंध भी हो तो भी, हेलो जी, सैटर्न यहां भी पड़ा है तो भी ये काम होगा, शुक्र की शनि की दृष्टि हो रही है। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी बनेंगी आपके अभी दिमाग में नहीं है, जब इसको लेकर बैठोगे दो सूत्र ही लगाओगे केवल, तो ज्योतिष है ना, कहीं से कहीं आपको लगेगा किताबों की किताबें बढ़ जाएंगी। और मेरे गुरु जो हैं वो हमको ये कहते थे कि फल दीपिका को छोड़कर बाकी भी किसी भी पुस्तक के अंदर योगाध्याय जो है ना, योग अध्याय जिसको हम लोग बोलते हैं योग, कि भाई योग सिखा दो साहब, इसमें ये योग बनता है, ये योग बनता है, इसमें ये योग बनता है, ये योग बनता है, योग बनना, वो बोलते थे योग बनना वाली बात ही भूल जाओ। कारण के शुरुआत में 2002-2003 में जब मैं भी ज्योतिष सीखता था तो मेरे को योग के प्रति बड़ी लालसा रहती थी कि गज केसरी योग बनता है, ये योग बनता है, वो योग बनता है, चंद्र मांगल्य योग बनता है, ये सब योग मेरे को भी बड़े वो करते थे, बोलते वो कहते थे भाई कोई योग मत सीखो बेटा, बराबर है। उनका नाम यूके झा साहब है, बराबर, बहुत मृदंग विद्वान है, उन्होंने सिखाया हमको, हम सीखे, उनके पास से सीखे, और भी गुरु हैं हमारे, कई गुरु हैं मेरे। पटेल सर, पटेल सर हैं, एक अशोक उपाध्याय हैं, वो भी नहीं है, ये तीनों में से झा साहब तो अभी भी हमारे हैं, जो कभी पूछ लो बता देते फट से, हम बराबर है, ये हमारे मतलब लाइव लिविंग लेजेंडरी हैं, इनके पास में। लेकिन ये सिखाते वैसे नहीं सिखाते हैं कि आपको कोई चीज ड्रो, ये तो उल्टा सिखा देते हैं कि जाओ दौड़ो, फिर दौड़ते चले जाओ, जैसे मैंने आप लोगों को कई चीजें दौड़ाने वाली कर, बराबर है। सूत्र सही नहीं है, सूत्र बनाना ठीक है, इट्स ओके। अब यहां पर
ये शुक्र शनि के जितने भी कारकत्व हैं उसको वृद्धि करेगा, बराबर उसकी दृष्टि जा रही है उसके तरफ, तो शुक्र उसको सुधार रहा है। अब ऑन द कंट्री आगे जाकर देखोगे तो शनि जो है शुक्र के कारकत्व में मार्ग मार जाएगा। हेलो, ये भी आएगा ना, शुभ शुभ देख रहे हैं अभी तो अपने, मीठा मीठा खा रहे हैं, कड़वा कड़वा थूथू आएगा अभी, देखो आगे का सूत्र इसका है, आगे के सूत्र यही आएंगे। तो हम लोगों ने जो बात देखी ये बात ऐसी है, ठीक है, समझ में आ गई होगी, अब तो कोई ऐसा नहीं है, काफी कुछ, आगे चलते हैं। अब नैसर्गिक अशुभ ग्रह भाव के अशुभ कारकत्व को बढ़ाते हैं, भाव के शुभ कारकत्व को घटाते हैं, बराबर है। लाइट ऑन लाइफ ये जो पुस्तक है, इस व्यक्ति ने, एक तो इसका नाम मेरे को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, बराबर है, ये डिफो और क्या रॉबर्ट नाम ही पढ़ने में मेरे को दिक्कत आती है, मैं सही बोलता हूँ जो है कन्फेस कर लेता है, ध्यान ऊंचा करके, मेरी एक आदत है कन्फेस कर लेना, भाग जय रणछोड़, गुजरात में बड़ा हुआ हूँ, जय रणछोड़, हर जगह युद्ध करना जरूरी नहीं है। तो अब उस भाव में स्थित होकर या दृष्टि द्वारा विशेष में अगर उस भाव का मालिक होता है तो ये कम घटित होता है, बराबर है। अब यहां पर देखो बात समझने वाली बात है, इसने क्या कह दिया कि अशुभ ग्रह है, वहां पर हम लोग शुभत्व में बढ़ावा देते थे, ये अशुभ करता है, जहां पर स्थित होता है वहां अशुभ करता है, लेकिन अगर उसका वो मालिक है तो उसके अशुभत्व को कम करता है, वहां पर शुभत्व को बढ़ावा दे देता है मालिक होने पर, ये उसको नाप में रखेगा। कैसे नाप में रखेगा हम लोग देखते हैं, इसको समझ लेते हैं, कैसे नाप में रखेगा, कैसे घटाएगा, कैसे बढ़ाएगा। अब शनि यहां पर पड़ा है, पंचम भाव के जो भी रिजल्ट हैं शुभत्व को घटा देगा, बराबर है, अशुभत्व को बढ़ा देगा, पंचम भाव संबंधित जो भी अच्छे फल नहीं देगा, 100 बात की 1 बात यहां पर समझ लो। लेकिन अगर ये 10-11 नंबर की राशि है, हेलो, तो उतनी बुरी तरह से नहीं मारेगा, दस ग्यारह नंबर की राशि मतलब मकर और कुंभ है, तो बात समझ में आई सर? इसमें थोड़ा सा एक चीज थी, बोलो सर, थोड़ा बोलिए बोलिए सर, क्योंकि थोड़ा हम बिल्कुल बिगिनर हैं इसलिए बात करते हैं। इसके लिए देखो मैंने क्या कहा था, अब मेरी बात भरत भाई आपने अनुमोदन करके मेरे को तो हल्का कर दिया आपने, पहले मैं वेरी थैंकफुल टू यू, मैंने एक बहुत बड़ी दृष्टता कर दी थी, मैंने कहा मैं सामने जो बैठता है उसको मूर्ख गिनता हूँ, बराबर उसको कुछ नहीं पता, बराबर अगर गुरु इसके लिए, मैं इसके लिए नहीं कि किसी की अवहेलना करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन मैं सोचता हूँ एक भी व्यक्ति इसमें ऐसा बैठा होगा मेरे क्लास में जिसको पता नहीं चलेगा, तो भाई जो जानते हैं उनके लिए, उनको मिला नहीं मिला बात अलग है, लेकिन जो नहीं जानता उसको मिला वो बड़ी बात है। सर एक बात कहना चाहते थे। हाँ जी सर, वो कृतांजलि माटिया जो है ना, वो किसी तरह से वो एग्जिट हो गई है, वो दोबारा एंट्री लेना चाहती है। कौन है भाई? आओ तो सही, कृतांजलि कहाँ पर है, दिखाई तो देना चाहिए ना, आने का आने वाला एंट्री तो होनी नहीं, वो थी सर, थी अभी तक, और फिर एकदम से उसका एग्जिट हो तो, पर भाई वो एंट्री मांगे तो दूंगा। जी सर, हम उससे बोलते हैं। हाँ भरत भाई, आप अपना प्रश्न स्पष्ट कीजिए, मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं, मैं आपको अकेले को लूंगा।
ये तो सर एक जैसे आपने बिल्कुल एग्जांपल दी सैटर्न की, आपने लिखा कि घटाता है नैसर्गिक अशुभ ग्रह के अशुभ कारकत्वों को बढ़ाते हैं और भाव के शुभ कारकत्वों को घटाते हैं। हाँ। एक सर मेरा जैसे समझ कहती है कि कोई भी प्लेनेट है जिसको हम मैलिफिक कहते हैं, अगर वो अपने घर में है, मतलब आप अपने घर में सर हम उसका साइन लेंगे या नेचुरल उसकी सिग्निफिकेंस लेंगे? नहीं साइन लेंगे सर। हेलो इधर सुनो, एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं थोड़ा सा मेरे को क्योंकि ले लो, रख दिया भैया, चिंता नहीं, बहुत ये तो अपनी पाठशाला है, धीरे चलती है भाई। ठीक है सर, मंगल रख दिया हमने। हेलो जी, अब ये अशुभत्व बढ़ गया अष्टम भाव का, बराबर है जी। वहां पर भी अशुभत्व बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर तो खास तौर पर अशुभत्व बढ़ गया, बराबर है मार्स, यहाँ पर आयुष्य को घटा दिया जी। बराबर है सर, कोई भी राशि हो आठवें घर में। अरे बहन, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नैसर्गिक अशुभ ग्रह भाव के अशुभत्व कारकों को बढ़ाते हैं, मतलब भाव का अशुभत्व अशुभ कारकत्व क्या है, यहाँ पर मृत्यु है समझो उदाहरण के तौर, मृत्यु है बराबर है, तो ये मृत्यु वाले जो पैरामीटर है उसको बढ़ावा देता है। अच्छा बराबर है, और ये दूसरी जो चीजें हैं लाइफ वेल्थ और इनहेरिटेंस उसको घटा देगा, ये उसके चांसेस बहुत कम कर देगा, और जो जैसे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको ज्यादा कर देगा। हाँ तनु बहन सही पकड़े। तो सर पहली कंडीशन है, फिर उसके बाद में सारी कंडीशन वही आएंगी सब जो हम लोग बात करके गए। तो सर लाइफ बढ़ा दी लेकिन इनहेरिटेंस घटा, लाइफ बढ़ाने की लाइफ कम कर दी, दूसरों का धन इजीली आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, डेथ के चांसेस बढ़ा दिए ना, लाइफ थोड़ी ना बढ़ाई, डेथ के चांसेस बढ़ा दिए, डेथ के चांस बढ़ा दिए, दूसरों का धन जल्दी नहीं प्राप्त होगा, जो मनी है हस्बैंड मनी है इनहेरिटेंस है वो जल्दी नहीं मिलेगा। मदर पीपल हेलो सर, डेथ भी तो फिर अशुभी हुआ, अभी मैं आपको बढ़ा दिया ना उसने, बात सुनो, काहे अष्टम मंगल अपने खराब गिनते हैं, महिला की कुंडली में अष्टम मंगल काहे खराब गिनते हैं, सब मंगल चल जाते हैं, अष्टम मंगल को तो बहुत इंसान बिल्कुल जड़ से सिरे से खारिज करता है, सर हस्बैंड से सेकंड हाउस है ना ये, उसका सौभाग्य है बहन, तो उस कारण उसके लक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये सब बातें बहन मैं आपको धीरे इसलिए बोलता हूँ, सूत्र तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और हमारे यहाँ पर तो एक ग्रंथ ऐसा है जो सूत्र पर ही है केवल, बराबर, केवल उसमें तो एक एक लाइन के सूत्र दिए हुए हैं, और उस एक एक लाइन के सूत्र को आज तक लोग सुलटा नहीं पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं सुलटा पाए आज तक, उसका नाम है जैमिनी सूत्रम। रुचि जी आप उल्टा समझ रहे हो, वो लाइफ नहीं बढ़ाएगा, डेथ के चांसेस बढ़ा देगा। हेलो हाँ जी हाँ जी, अशुभ कारकत्वों को बढ़ाएगा, वहां पर क्या आएगा, लाइफ को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं भाई, ठीक है, मृत्यु वाला उसको मृत्यु को बढ़ाएगा ना, हाँ जी मृत्यु को बढ़ा दिया, और उसका शुभ कारकत्व क्या है, वहां पर दूसरों का पैसा वहां कम, वहां पर सौभाग्य कम हो जाएगा। आपको एक एक ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारी इसको कहीं भी रखा जा सकता है, कहीं भी जाके रख दीजिए इसको, बराबर, कहीं भी जाके रखिए इसको, इसको मंगल को उठा के अष्टम भाव में रखने को जरूरी नहीं है, कहीं भी उठा के रखिए इसको,
यदि स्वग्रही होगा तो आयु बढ़ा देगा। आगे चलते हैं। यदि वह इस भाव का मालिक हो तो यह नहीं घटित होता है, क्योंकि वह यहाँ पर शुभ परिणाम देता है। हेलो बहन जी, जी बहन जी, सर जी सर, आगे बात बढ़े। अपने घर में कोई आग नहीं लगाता है, अगर धीरे से याद रखना है तो आपको, पागल भी अपने घर में आग नहीं लगाता। जी सर, उसको इस तरह से याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। यानी स्वग्रही होने पर आयु भी बढ़ाएगा और धन भी देगा। बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा लेकिन घटाएगा नहीं, देखो घटाएगा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा तब घटाएगा नहीं। एक बात समझ लो, मैं ऐसे गुरुओं के पास में बैठा हुआ हूँ जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। एक लघु पाराश्री नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर 37 श्लोक ही है, सब मिला के अच्छे, जो जिसको मीनिंगफुल बोलते हैं, बराबर है, पूरा का पूरा उसके अंदर पूरा ज्योतिष आ जाता है। उसके अंदर एक हर कोई एक बात बोलने लग जाता है कि अशुभ जो केंद्रित होता है वो अशुभ फल नहीं देता, और शुभ केंद्र शुभ फल नहीं देता, लेकिन शुभ केंद्र शुभ फल नहीं देता वो बात वहां तक सही है, लेकिन अशुभ फल देता है वो बात सही नहीं है। समझ गई सर, मतलब आयु बढ़ाएगा नहीं लेकिन कम नहीं करेगा, कम नहीं करेगा वो वहां पर। जी, ये बात को बहुत, इन सूत्रों के अंदर ये छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, बराबर है। उसके स्वामी के साथ में युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, उसके कारक के साथ में दृष्टि संबंध हो, वही बात जो हम लोगों ने एक नंबर का सूत्र देखा था उसका बिल्कुल ये विपरीत सूत्र है। समृद्धि बहन जी सर, देखिए मैं आपको क्या बोलते हैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको पिन आउट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे अभी यहाँ पर मेरी इस पर पैनल में नजर आ रही है, इसके लिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। जी सर, यहाँ तक क्लियर सर? एक क्वेश्चन है कि जैसे मंगल का घर भी यही है? मंगल का घर ये नहीं है, या आप इसको लाल किताब को मत उठा कर लाओ। ठीक है, हाँ, ये नैसर्गिक कुंडली में मंगल का घर बनता है। हाँ जी, क्या कहो? तो कैसे भाग मतलब कैसे रिजल्ट देगा सर फिर, अगर नैसर्गिक कुंडली में हम यही माने कि मंगल का घर है, कुंडली के अंदर ये अच्छा फल देगा। अभी इसी संबंधित एक आगे और आएगा सूत्र, आएगा एक संबंधित बहुत बढ़िया सूत्र है इसके आगे का, बराबर है। देखे हम लोग चले आगे। जी सर, जी सर, ये भी वही है ग्रह। अब यहाँ पर कारकत्वों के अशुभ नैसर्गिक अशुभ ग्रह, किसी अशुभ कारक ग्रह के अशुभ कारकत्वों को बढ़ाते हैं और ग्रह के शुभ कारकत्वों को घटाते हैं। ये बस वो नंबर तीन का, ये नंबर, ये नंबर दो का, नंबर चार है। करो भाई, क्लास चल रहे हैं, बाद में पूरा होएगा। ऐसे फोन करना, सर आप कॉल करना फ्री हो गए? हाँ
एक सबसे बड़ा नियम, बहुत डेंजर में डेंजर नियम है ज्योतिष के अंदर, बहुत जिसको बोलते हैं कि चने मुरमुरे की तरह उपयोग में लिया जाता है, कारको भाव नाशाय वाला। हेलो, ये तो सर बहुत सुनने में आया, लेकिन हम तो बिल्कुल बिगनर हैं। आज मैं आपको समझा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कारको भाव नाशाय मैं आपको आज समझाता हूँ, बराबर है, कोशिश करूंगा मैं कारको भाव नाशाय की। हमारे गुरुदेव ने जो सिखाया हमको पटेल साहब ने, वो कारको भाव नाशाय मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा, उतर जाए तो बराबर है। यहाँ पर पहले कारको भाव नाशाय से उल्टा सूत्र है, पहले इसको पढ़ो। सर फॉर अवर हेल्प प्लीज मेल दिस पीपीटी आफ्टर दिस सेशन। पार्डन सर, इस सेशन के बाद ये पीपीटी हमें हम लोगों को मेल करवा दीजिए। ये तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनसे पूछना पड़ेगा, मैं आपके उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बराबर, आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से, पूछ लीजिए। अब यहाँ पर नैसर्गिक भाव के कारक, जिस नैसर्गिक भाव के कारक, जिस भाव के कारक होते हैं उनके परिणाम में वृद्धि करते हैं, उन जब वे उन भाव को देखते हैं वहां स्थित होते हैं, मतलब जो ग्रह जिस भाव का कारक है तो उसमें अगर वहां पर स्थित है तो उसकी वृद्धि करता है, ये लिखा है इसके अंदर, बराबर है। इसमें कारको भाव नाशाय वाला नहीं है, लेकिन आगे इसने लिया है, कहीं लिया है, अपवाद स्वरूप तीसरे भाव में स्थित मंगल छोटे भाई बहनों और उनके साथ जातक के संबंधों के लिए हानिकारक। अब एक बात समझो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बहुत बड़ी बात समझा दूं आपको, अगर यहाँ पर सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं उनको भी फायदा तो होना चाहिए, बराबर है। देखिए साहब, जिस भी भाव का जो कारक होता है अल्टीमेटली फायदा किसको करता, पहले ये बताओ। जिस जातक की कुंडली होती है उसको फायदा करता है। हेलो, अगर मंगल तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो पराक्रमी कौन होगा, जातक होगा। क्लियर? Yes, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलो भाई। जी सर, जी सर। तो आप इस मंगल को ले जाकर हम लोग रखते हैं सीधे के सीधे सातवें स्थान में। कहाँ रखा? सातवें, सातवें स्थान में। आपकी संतान पराक्रमी होगी सर, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? लग्न तीसरे स्थान से कौन सा स्थान था? ग्यारहवां स्थान था। सातवें से ग्यारहवां पांचवां हुआ, तो आपका मंगल जहां पड़ा है उससे ग्यारहवां स्थान देखकर बोल दो ये व्यक्ति पराक्रमी है। सर प्लीज रिपीट कर दो एक बार। सात, तीसरा स्थान जो है, ये मैंने बड़ा सूत्र दे दिया आप लोगों को, ये सूत्र के साथ में, तीसरे स्थान में अगर मंगल पड़ा है तो जातक पराक्रमी होता है या नहीं होता? होता है, सीधी बात। तो मंगल जहां पड़ा है उससे ग्यारहवें स्थान को पराक्रम देता है, ये सीधा समझ लो, ये छोटी सी बात है। सर तीसरे स्थान में है सर, उससे ग्यारहवां स्थान तो लगन बना। हाँ तो इसीलिए तो बोला मंगल जहाँ भी आपका पड़ा, आपका कहाँ पड़ा भरत भाई मंगल? मेरा तो अष्टम में है सर। आपका अष्टम में है तो छठा स्थान, हेलो जी, छठे स्थान से जो भी है मामा ननिहाल जी, मामा मौसी ननिहाल, छोटे मामा पर्टिकुलर सर, वहां से कौन? सर जहां पड़ा है वहां से सेवंथ हाउस,
अरे सेवंथ नहीं बहन, ग्यारहवा ग्यारहवा इलेवंथ, ओके ओके इलेवंथ उसको बल देगा, बल देगा। चलिए अपवाद रूप तीसरे भाव में स्थित मंगल छोटे भाई बहनों को उनके साथ संबंधों के लिए हानिकारक है। चौथे भाव में चंद्रमा खराब फल नहीं देता है लेकिन छीन चंद्रमा, अब छीन चंद्रमा किसे कहते हैं? अमावस्या के चंद्रमा को, उसके कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि के बाद? पंचमी। देखो आप एक बात समझ लो, सूर्य जहां बैठा है वहां से 75 डिग्री इधर चले जाओ, 75 डिग्री इधर चले जाओ, उस बीच में अगर चंद्रमा पड़ा है तो छीन है दीदी, बात बात खत्म करो, गिनने आना चाहिए। अब फिर ये मत बोला कि सर रुको रुको रुको, फिर से बोलो। हाँ जी सर, फिर से। सूर्य यहाँ पड़ा उसके 75 डिग्री इधर चले जाओ, 75 डिग्री इधर चले जाओ, 75 डिग्री पूछना वो तो सर रफली 2 या 2.5 हाउस। हाँ देख लीजिए, वहां पर अगर पड़ा है चंद्रमा सूर्य से तो छीन है। हाउस वाली बात आती है ना बहन, अगर डिग्री का सूर्य अगर कहीं डिग्री का होता है 28-28 डिग्री का या 1-2 डिग्री का तो बहुत वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं 75 डिग्री इधर 75 डिग्री इधर जाओ बस। चलें आगे। जी सर। तो चौथे भाव में चंद्रमा है तो सूर्य कहाँ होगा, आप अगर बोल पाओ तो बताओ। तो फिर से सर, सूर्य अगर छठे भाव में है, चंद्रमा अगर चौथे भाव में है, तो सूर्य दूसरे भाव से लेकर छठे भाव में है और चंद्रमा चौथे भाव में है तो क्षीण हो जाएगा। तो भाई आप सीधा सीधा बहुत ज्यादा छीन वीन देखने के चक्कर में नहीं, तो माता के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, इतना बोल दीजिए। बोल, कितना सीधा सा समझा रहा हूँ मैं, आप इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। सर अगर सूर्य 12वें घर में है और चंद्रमा तीसरे घर में है, 12वें घर में है तो चौथे घर में मजबूत हो जाएगा, चंद्रमा छीन तो नहीं है फिर वो, नहीं तीसरे घर में चंद्रमा। अरे बहन तो चंद्रमा यहाँ पर क्या लिखा है, चौथे भाव में छीन चंद्रमा माँ और उनके साथ संतो के लिए हानिकारक होता है। सूत्र सेकंड और सेकंड से लेके सिक्स्थ में हो और मून इन फोर्थ तो रिलेशन विद मदर विल नॉट बी गुड, देख लीजिएगा। सर मेरा वही है लेकिन मेरा सबसे ज्यादा माता आपकी उनकी स्वास्थ्य को लेकर तक कोई ना कोई दिक्कत रहेगी आपके जन्म के बाद में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चौथे भाव में छीन चंद्रमा माँ और उनके साथ जातक के संबंधों के लिए हानिकारक, माँ के लिए हानिकारक है, उनके साथ में जातक के संबंध को लेकर हानिकारक। दो बातें बहुत क्लियर लिखी हुई है हिंदी में, इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता मैं, गुजरात में रहता हूँ। सर बहुत अच्छा लिखा है सर, क्लियर है सर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लियर है सर। और जिस हिसाब से समझा दिया कि सूर्य कहाँ पर है सर, समझ आ गया। अब मैडम प्लीज बताना कि आपके मदर की हेल्थ का इशू है जो पहले बोले थे कि मैं नाम नहीं जानता उसका, छोटा मोटा तो लगी रहती है लेकिन। हेलो बात, मैं एक बात दूसरी बोलता हूँ, अब वहां पर 12वें भाव में पड़ा हुआ गुरु है या गुरु पड़ा है 10वें भाव में या गुरु पड़ा अष्टम भाव में, वो सब नियम भूल जाने बहन, हमको जो हम पहले बोल के गए वो भूल जाने, नहीं बोलने। मैं ये बोलता हूँ ज्योतिष को कभी एक ग्रह से जोड़ना बहुत बड़ा पाप है, ज्योतिष को एक ग्रह से जोड़कर ज्योतिष करना बहुत बड़ा पाप है। अरे आपके सप्तम में सूर्य पड़ा है, आपका तो वैवाहिक जीवन नष्ट। अरे अरे भाई, इस देश में 44 करोड़ की बस्ती है,
दस करोड़ लोगों के सप्तम भाव में सूर्य निकलेगा, दस करोड़ की दस दुनी बीस, तो कम से कम बीस नहीं तो 15 करोड़ तो साफ होगा एक में, एक ही उसमें। ऐसा थोड़ी होता, ये नहीं होता, ये ज्योतिष गलत है। फिर बोलता हूँ ये ज्योतिष गलत है, माफ कीजिएगा। समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज से समझ गया सर, वो तो जस्ट ना मैडम ने बोला था इसलिए मैंने मैडम से। अरे आज की बात ही मत करो, मैं तो भाई आप लोगों से मेरी कोई वो नहीं है भाई, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं सर, अच्छा समझाया। बराबर, आगे चलते हैं। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति बच्चों के लिए, जातक के उनके साथ संबंध के लिए हानिकारक होगा। अब यहाँ पर हर बार इंसान जब देखता है तो कारको भाव नासा गुरु के लिए तो खास करके ठोक देता है। पांचवें भाव में गुरु बैठा है तो ला ब्ला 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 ब्ला। अब एक बात समझ लीजिए, पांचवें भाव में गुरु बैठा है, पांचवें का मालिक भी बन गया, तो हर तरह से देखो वहां पर संतान का भी कारक बन गया, विद्या का भी कारक बन गया, विवाह का भी कारक बन गया, बहुत सी चीजों को कारकत्व को भी ले लिया, वहां के भावाधिपति भी बन गया, वहां पर हर तरह से बनता चला जाता है गुरु। और वो गुरु अगर कहीं बिगड़ गया, उस पर पांचवें स्थान में बैठा हुआ गुरु है, अगर तीसरे स्थान में बैठा हुआ शनि वहां से उसको दृष्टि कर रहा है, हेलो, या दसवें स्थान में बैठा हुआ मंगल उसको दृष्टि कर रहा है, शनि ने वहां से दृष्टि मारी, गोली मारी, वो नहीं देख रहे हो, मंगल ने दसवें स्थान से गोली मारी, वो नहीं नजर आ रहा है आपको, गुरु वहां पर पंचम स्थान में बैठा हुआ नजर आता है। अब वो गुरु भी बिगड़ रहा है, स्थान भी बिगड़ रहा है, हर तरह से बिगड़ रहा है। इंसान बोलता है देखा लगा कार को भाव नाशा, अरे कार को भाव नाशा नहीं लगा, वहां से शनि ने गोली मार दी, वहां से मंगल ने गोली मार दी, बराबर है। ये गोलियां कहाँ कहाँ से लग गई वो नहीं आपने देखी, सब राहु बैठा था लग्न में उसने गोली मार दी, पंचम दृष्टि करके या नवम दृष्टि जो ले लो वो ले लो, वो गोली नहीं दिखेगी, वो आप हमेशा उसको कार को भाव नाशक को बेचारे को पांचवे में बैठे हुए गुरु को ले लेते हो हर तरह से। ये जो इस तरह के पैरामीटर को लेकर ज्योतिष में आगे बढ़ना संभव नहीं है, इतना मैं बताता। आगे चलते हैं सप्तम भाव में स्थित। ये लाइन इतनी पॉपुलर क्यों है सर, कार को भाव नाशक वाली, वो आपने जो बताया कैसे चला भाई राम जानता है, मुझे नहीं पता, मेरे गुरुओं के पास जो सीखा मैंने आपको बता दिया। जी 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 बराबर है। सप्तम भाव में स्थित शुक्र पति या पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, जातक के उनके साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। नवम भाव में स्थित सूर्य पिता के साथ, इसमें कार्गो भाव नासा वाला ये लेके आए हैं पूरा के पूरा, जिसको आप ये सूत्र जरूर है। मैं किसी और दूसरी बात में आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर देता हूँ, अगर ज्योतिष एक किताब में पढ़ जाता, हेलो, तो वाराम महीर ने देवज्ञ वल्लभ नाम की पुस्तक जो लिखी है, देवज्ञ वल्लभ नाम की प्रश्न पर है वाराम महीर की पुस्तक, उसके बाद में उनका लड़का पृथ्वी यश सठ पंचासी का न लिखता, रोज जातक के बाद में वो होरासार नहीं लिखता, बराबर है, ये मैंने आपको बात बता दी, आगे नहीं लिखता, वो क्यों लिखता, बाप लिख कर गया फिर क्यों लिखने की जरूरत। तो ज्योतिष एक किताब में पूरा नहीं होता, कभी भी किसी एक मत से कभी पूरा नहीं होता, पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है ज्योतिष के अंदर। इसके लिए भी इंसान जब बहुत त्रस्त हो जाता है फिर शॉर्ट वाली कट लाइन ढूंढ लेता है जो गलत लाइन होती है लेकिन काम करती है, चल जाता है, बराबर है। फिर तो बहुत सारी किताबें हैं, बराबर, फिर बहुत सारी किताबें हैं, काली पीली लीली लाल सब बहुत सारी हैं, जहां जाना जाओ। ज्योतिष सीखना है तो ज्योतिष प्रॉपरली सीखना पड़ता है। नवम भाव में पिता और पिता के साथ संबंध के लिए हानिकारक है। आप देखो यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आप लोगों से बोलता हूँ, पिता हमेशा नौवें भाव से देखा जाता है, दसवें भाव से नहीं देखा जाता। दसवां स्थान पितृ स्थान है, पिता का स्थान नहीं है। लोग कहते हैं पालासर में पितृ दिया हुआ है, पिता नहीं दिया। और कई जगह पर उसी पालासर के अंदर
और जगह पर नौवां स्थान लिया है। आप अपने पुत्र के क्या हैं, पिता हैं या और कुछ हैं, ये बताओ। पिता सर। पिता हैं। क्यों पिता हैं? कारण के आप लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न आपको इंडिकेट करता है और आपके पुत्र को पांचवा स्थान इंडिकेट करता है। बात समझ में आई? तो पांचवे स्थान से लग्न कौन सा हुआ? नौवां स्थान हुआ जी। बस, तो आप अपने पिता के पुत्र हो, बराबर है। इतने से समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आपका पिता कहाँ पर है? नौवें स्थान में। नौवें स्थान से लग्न कौन सा है? पांचवा स्थान है। इतना समझा दिया मैंने, इतना इनफ है। ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति बड़े भाई बहनों के साथ, देखो संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। ये नुकसान आम तौर पर तब नहीं होते जब ग्रह अपने स्वयं की राशि में स्थित होता है। ये इसका लास्ट हेलो, मतलब तीसरे भाव में अगर मंगल जो है मेष का है, वृश्चिक का है, तो ये घटना नहीं घटेगी। चौथे भाव में कर्क का चंद्र है तो ये घटना नहीं घटेगी या इसकी असर बहुत कम होगी। पंचम भाव में धनु या मीन का गुरु है तो ये घटना नहीवत होगी। सप्तम भाव में वृषभ का या तुला का शुक्र है तो ये घटना नहीवत होगी। नवम भाव में जो सूर्य सिंह राशि का है तो ये घटना नहीवत होगी। ग्यारहवें भाव में बृहस्पति मीन या धनु का है तो ये घटना नहीवत प्रमाण में होगी। बात समझ में आई जी सर? ये हमारे पांच सूत्र हो गए। समय भागा चला जा रहा है, कहाँ पहुंच गए? ये पांच सूत्र भी अभी इसको प्रैक्टिकल लेवल पे इनको करने में ना अभी पांच साल लग जाएंगे। मैंने तो अभी इसको ऊपर ऊपर लिया है केवल। अब इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे पूरी किताब बन गई साहब पांच सूत्रों में। तो सही है सर, पांच से भी मेरे को लगता है ज्यादा ही लग जाए। ज्यादा हो गया ना मैम? रुचि मैम हाँ जी सर बोलिए सर एक बार दोबारा क्या बोल रहे? ऊपर ऊपर से पढ़ने में लगता है कि इजी आ गया, लेकिन जब लगाने बैठे तो पता चलता है। वही बात सर, वही बात सर। बहन मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात, में हमारे मेरे जो प्रैक्टिकल क्लास होते हैं जो फेस टू फेस, उसमें मैं कह देता हूँ आप क्लास के अंदर कि जाकिर हुसैन का तबला वादन आप जाके देखाओ कैसे फटाफट फटाफट चलाता है, घोड़ा दौड़ाता है, ट्रेन चलाता है, कहीं कुछ करता है। आप घर पे तबला ले आओ, आपसे चल जाएगा तबला? नहीं सर। हाँ, रियाज चाहिए। यस सर। हर कोई इंसान आजकल यही सी चक्कर में बैठा रहता है कि हम चार यूट्यूब देख लेंगे हमको ज्योतिष आ जाएगा। सर अभी तो वही फील हो रहा है। हाँ। सर अभी सर वही फील हो रहा है, एकदम मूर्ख वही फील हो रहा है इस समय। सर जैसे मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ भरत भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे सर आप फिर बोलोगे कि वही बात, जैसे कार को भावनाशम वाली हमने पूरी बात पर लास्ट वाली लाइन ने तो वो डायलॉग को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले वाली ये सारी मास्टर की, तो ये मास्टर की कोई देखता नहीं है ना सर। हेलो, ये मास्टर की कोई नहीं देखता था सर। इसमें स्वयं राशि लिखे उसके बाद नक्षत्र भी डाल देते तो और कंफ्यूजिंग हो जाता। अरे भाई कहाँ से कहाँ जाना अभी है, तो कॉम्बिनेशन डालेंगे, नक्षत्र तो बड़ी दूर की बात होगी, कॉम्बिनेशन डालने से ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने आपको ये कह दिया कि ये बात तो आगे वाले सूत्र भूल गए हम लोग। हेलो सर, वही हो रहा है, आगे दौड़ पीछे सर, यही हो रहा है। सहने सर आपने इतना सब कुछ याद कैसे रखा हुआ है? देखो याद नहीं रखा हुआ है, ये सहने पंथा सहने कंथा सहने पर्वत मस्तकम वाली जो श्लोक है, अगर आपको लंबी यात्रा में जाना है तो दौड़ कर घर से शुरू करोगे तो आप एक किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाओगे।
धीरे धीरे इतना मैं जानता हूँ, धीरे 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 सर ये वीडियो दो बार और देखना पड़ेगा कम से कम, देखिएगा आपको लगता है कि आ जाएगी। मैंने आप लोगों को धीरे धीरे सर प्लीज रिक्वेस्ट है ऑफिस में बोल के ये पीपीटी जरूरी भिजवा दीजिएगा, क्योंकि 10 बार वीडियो देखेंगे और 20 बार इसको पीपीटी को देखेंगे फिर जाके कुछ समझ आएगा। सर पता है ये इंग्लिश से हिंदी में ज्यादा आसान हो रहा है समझना इस समय। इंग्लिश में ऊपर से समझ नहीं आ रहा, बुक में इंग्लिश में लिखा है हिंदी में नहीं, प्रॉपर इंग्लिश में है ना। आपने हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है बाय द वे, बहुत ज्यादा अच्छा कर दूं। लिटरली सर को पूरी पूरी बुक करनी पड़ेगी हिंदी में। हाँ आई थिंक सो, मेरे को लगता है हिंदी में इजीियर है समझना हमारे सर। ये वेबिनार की जगह प्रॉपर इसकी क्लासेस होनी चाहिए इस बुक की। और भदौरिया सर इसमें एक समस्या और है कि अभी आपने हिंदी का टस्का तो लगा दिया इनको, तो अब सभी को ऐसा लग रहा है ना कि हिंदी है तो समझ में आ रहा है, बट सर अब हमारा बिजनेस का कोर्स हिंदी में ले लो। जब ये बुक पढ़ेंगे ना तो सब कुछ ऊपर से निकलेगा। नहीं मैं आपको और बता दूं, ये ट्रिक है बहुत बड़ा। अभी ये आपको इसलिए लग रहा है कि हिंदी को जैसे आपको लग रहा आसान, बट ये हिंदी को जैसे आसान नहीं लग रहा, ये भदौरिया सर पढ़ा रहे हैं इसलिए आसान लग रहा। दूसरी चीज की ये हिंदी में ऐसा नहीं है कि इकलौती बुक है, ये सेम सूत्र हिंदी में आपको लाखों बुक में मिलेंगी, आपको हजारों बुक में ये सूत्र ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कोई नया सूत्र ऑथर ने नहीं बनाया है। ठीक है, ये अगर वो बोल रहे हैं कि फलदीपिका से लिया गया है तो फलदीपिका में ऑलरेडी है ये चीज। प्रॉब्लम ये है, I told you ना कि वेबिनार की जगह इस बुक की क्लासेस शुरू करवा दो। नहीं, क्लासेस तो हम बहुत कुछ कर देंगे बट बच्चे करते नहीं है ना, उनको चाहिए वही सर ने बोला जो सन इन सेवंथ हाउस, मेरे लिए अच्छी नहीं होगी है ना, ऐसे वाली टेक्निक मिल रहे हैं तो लोग आते हैं बहुत सारे सर। वो लाल के चाप वाली टाइप टेक्निक वो वैदिक में भी होती है, बट मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस का बता रहा हूं, जब भी कोई आप जब कंसल्टेशन स्टार्ट करोगे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि मेरा सन सेवंथ हाउस में रिजल्ट बताओ, ये नहीं पूछता वो, आके आपसे ये पूछेगा कि मेरी जॉब कब लगनी है, मेरी मैरिज कब होगी। राइट सर, ठीक है राइट सर। और जब ये पूछेंगे तो ये सारे सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे वापस सर। सर सर का नंबर शेयर कर दो उसी टाइम कॉल कर। नहीं ये मेरे बगल में है, हम तो फिर एक दो सूत्र देखेंगे सर, तो रिजल्ट बता देंगे इसका, ये कर दो इसको, ये बोल दो सर। बदले सर कुछ बता रहे हैं देखिए, मेरे बगल में जो बहन बैठी हुई है ये मेरे को बहुत आशीष करती है, जो मैं जितना भी कच्चा पक्का तैयार करता हूँ इसका प्रूफ रीडिंग करना, कहाँ पर बराबर इसको आगे ले जाओ सर, थोड़ा पीछे ले जाओ, समझने में आसानी होगी। कारण के एक विद्यार्थी जब चीज को पहले प्रूफ कर देता है तब आगे बात बढ़ती है। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ये कंटेंट हिंदी में लाने का श्रेय शायद इनको ही जाता है। हाँ नहीं तो, बहुत कुछ जाता है, अंग्रेजी वाला खास। अंग्रेजी वाला नहीं, तो, ये हमारे यहाँ पर जो पाठशाला है उसमें इन्होंने पूरा किया है और अभी ये इस टाइम पर एमए कर रही है इससे इग्नू से। और इग्नू का एमए इतना कठिन है, इतना जटिल है कि उसको देख के फड़फड़ा जाती है, तब मैं बोलता हूँ इधर आओ मैं समझा देता हूँ। बहुत बहुत कठिन है एमए हिंदी का, जो हिंदी माध्यम से जो इग्नू ने रखा है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी चलता है, बड़ा क्लिष्ट है। मैं 3 लोगों का गाइड हूं एमए का। वाओ, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है, दिन भर काम करता रहता हूँ, ज्योतिषी करता रहता हूँ, दिन भर ज्योतिष करता हूँ। अब मेरे को काउंसलिंग से ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। ये देखो अब ये पीछे जो मेरे ये सब कपबोर्ड है भरे हुए हैं, सब कपबोर्ड इसके हैं, किताबों के हैं मेरे, तब बात होती है बहन, ऐसा नहीं होता है कि बोल दिया ठपा टप ऐसे नहीं होता है, काफी मेहनत तो करनी पड़ती है। सर कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पढ़ कितने साल से रहे हैं?
अरे पढ़ना सबसे अच्छा है, बचपन से ही रहे होंगे भाई बंसल जी। नहीं नहीं ज्योतिष सर जनरल नहीं कह रहा, पढ़ना बहुत इजी है, मैं आपको फिर बोलता हूँ पढ़ाना सबसे ज्यादा क्लिष्ट होता है। अगर आपको कुछ करना है तो एक विद्यार्थी ढूंढ लेना, आपकी ज्योतिष पक्की हो जाएगी, जाओ ये मेरी गारंटी है। सर वो क्वेश्चन ही इतने करेंगे कि जो कुछ नहीं भी आता वो भी खुद को सीखना पड़ जाएगा पहले। अरे बहन हर बार सीखना पड़ता है, क्या बात करती हैं आप। ये लास्ट वाला सूत्र लेते हैं यहाँ के, इसके बाद में इसकी पूर्णाहुति करते हैं। जो ग्रह अपने भाव में स्थित होता है आमतौर पर उस भाव के लिए प्रबल लाभकारी परिणाम देता है। अपने घर में स्व राशि का ग्रह बराबर है, ऐसे ग्रह जब नैसर्गिक शुभ होते हैं तब उन भावों को अधिक लाभान्वित करते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर गुरु दसवें भाव में पड़ा है, अपना राशि का है तो सुपर डुपर हो गया, कारण कि एक तो अपनी राशि में है और शुभ है तो दसवें भाव को लेकर अच्छा फल देगा बराबर है। जिन भावों में उसकी दृष्टि होती है वहां पर भी वो अच्छा फल देगा बराबर है। बात इसको बिल्कुल क्लियर समझ लेना। एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह जो स्वग्रही हो वह उसके द्वारा दृष्ट भावों के अच्छे परिणामों को नहीं बढ़ाएगा, अच्छे भावों परिणामों को नहीं बढ़ाएगा बराबर है। अब इसमें देखिए मंगल जो है मेष राशि में स्थित है बराबर है, मंगल मेष राशि में स्थित है जिससे वह वृश्चिक राशि में दृष्टि करेगा, लेकिन वो वृश्चिक राशि उसका स्व राशि है इसके लिए वहां पर वो परिणाम लागू पड़ेगा नहीं बराबर है। मैंने कहा ना पागल भी अपने घर को आग नहीं लगाता, हाँ जी सर, ये सीधा सूत्र याद रखना, पागल भी अपने घर को आग नहीं लगाता है जी सर। मकर राशि में स्थित शनि की दृष्टि हानिकारक होगी लेकिन नीच राशि मेष की तुलना में कम हानिकारक होगी। अगर नीच का भी है तो ज्यादा हानिकारक, मेष अब देखो मकर में बैठा हुआ शनि है हानिकारक तो है, उसकी दृष्टि हानिकारक है लेकिन वो स्व राशि का है इसके लिए उसकी हानि कम है। अब वो उसकी जगह मेष राशि में बैठकर वो दृष्टि कर रहा है तो उसकी हानि बढ़ जाती है, या शत्रु राशि में स्थित होगा तो ज्यादा हानिकारक होगा। मतलब अगर सिंह राशि का है तो भी हानिकारक उसकी हानि बढ़ेगी। इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं इसमें के हम लोगों ने आज यहाँ पर 6 सूत्रों को यहाँ पर कंप्लीट किया। इस किताब के अंदर सूत्र दिए हैं और सूत्र को जब भी आप लिखो उसको समझने की कोशिश करना, किताब लेकर लिखना ड्रॉ करना। किताबें ज्योतिष की पढ़ी नहीं जाती, ज्योतिष की किताबें हमेशा समझने के लिए होती हैं, उसका आपको एक अलग से आपको अपनी किताब बनानी पड़ती है, नोट बनानी पड़ती है। ये किताब को अब मैं आपको बता दूँ तो ये देखो इसी किताब के ये पन्ने हैं, ये सारे पन्ने इसी किताब के, ये सब किताब का ट्रांसलेशन आज से कम 5 साल पहले किया था, इसी किताब का समझ समझ के लिखा हुआ है इसी किताब को। और वही एक कारण बना कि बात चली, मेरा तो नाम नहीं था बराबर, मैं आने वाला भी नहीं था इसके लिए, लेकिन जब बात चली तो मैंने लगा यार इसका तो मैंने भी अध्ययन किया है, तो भाई विनायक जी ने पकड़ लिया, बोले आ जाओ फिर तो आपको आना पड़ेगा। तो मुझे 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 समझ में आ चुका है कि आपको कैसे लाना है सेशन में, थोड़ा बुक का डिस्कशन करके थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा वो आपके अंदर तो आप आ जाते हैं। तो मैं ऐसे ही किया करूँगा हर सेशन में, एक आपकी पसंदीदा कोई ऐसे कोई टॉपिक पे बुक लेके आऊँगा तो आप आएंगे, है ना। तो आई होप जो आज का सेशन करने का जो हमारा पर्पस था वो शायद फुलफिल हो, ये 6 सूत्र पढ़ने के बाद थोड़ा क्यूरियोसिटी आपके अंदर जगनी चाहिए। नहीं मैंने आपको दूसरा बता दिया ना, ये देखिए आपके सामने ये पन्ने हैं जो हैं, ये इसी के पन्ने हैं सारे, इसी किताब का ट्रांसलेशन समझा हुआ हर चीज इसी का है। तो कोई भी किताब आप पढ़ने बैठो, इवन आप धार्मिक किताब भी पढ़ने बैठो, रामायण पढ़ने बैठो, गीता पढ़ने बैठो, उपन्यास पढ़ने बैठो, उसका आपने एक नोट लेकर बैठो। ये मैंने आपको एक की पकड़ा दी, ये आपको मैंने सफलता की कुंजी दे दी आपके हाथ में, आप उसको लेकर बैठोगे तो अवश्य आपको मिलेगा।
वहां तक आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता, आपको कुंडली भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहीं कुछ करना पड़ेगा। ये अब ये भी ये कोइंसिडेंस है कि ये जो कार्य किया इतना इस किताब का, ये जो हमारे बगल में भाविनी बहन बैठे हैं, इनके इनके साथ में किया, इन्होंने, मैं बोलता जाता था ये लिखती थी, बराबर है। तो ये इस तरह काम होते हैं, कोई भी ज्योतिष का कार्य, मैंने कहा ना आप एक विद्यार्थी पकड़ लीजिएगा, आप मास्टर बन जाओगे, मास्टर बन ही जाओगे, तो विद्यार्थी को कुछ आए ना आगे टेस्ट, स्टूडेंट पकड़ लो वो भी बेचारा बिगड़ जाए। नहीं 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 ऐसा नहीं होता सर, पहले हम जाके रोए कि हमने क्या सिखा दिया। समृद्धि बहन एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे लाकर बताओ जो पहले तैरना सीख गया फिर पानी में उतरा, कभी नहीं होता। सर हमारे ऐसे एक स्विमिंग वाले सर थे, उन्होंने सीधा हमें 15 फुट के पानी में डाला था, बोले पानी में 5 फुट में तुम नहीं तैरना सीखोगे, 15 फुट में तैरना सीखोगे। तो बस हमने डाल दिया आज आपको, युग थी सर, लाइट ऑन लाइफ में डाल दिया सीधे आपको। हाँ जी बराबर है, चाहिए सफल भव विजयी भव। और इस सेशन में आप सबको एक बात और समझ में शायद आ गई होगी कि ज्योतिष पढ़ने के लिए ना अभिमन्यु नहीं बनना पड़ता। अभिमन्यु वो आदमी था जो पेट से सीख के आया था, ज्योतिष नॉलेज पे पेट से सीख के नहीं आएगा कि बुक से आप पढ़ लोगे सीख जाओगे। यहाँ आपको चाहिए द्रोणाचार्य, है ना, जब तक वो द्रोण गुरु नहीं होंगे आपके पास ना ये नहीं आएगा समझ। तो भदौरिया जी वो है हमारे लिए द्रोण, है ना। तो अभिमन्यु नहीं बनना है किसी को, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना आके ये नहीं करना है कि बुक पढ़ लिया और हो गया। सर हम सभी ने तभी आप लोगों को चूज किया अपना गुरु माना है। अरे भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बहन, समृद्धि जो रिसेंटली ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही है उसके बाद सर इस बुक के ऊपर एक क्लासेस शुरू करवाओ। नहीं करेंगे अभी, अभी तो आपने खाली लाइट ऑन लाइफ देखी है। अभी नेक्स्ट आपका अभी सीजे कृष्ण स्वामी जी आएंगे तो आप बोलोगे पता नहीं ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो हर बुक अपनी अपनी अलग वो इम्पोर्टेंस और अपने अलग दुनिया बना के चल रही है। सीजे कृष्ण स्वामी जी के बारे में आपको मैं छोटी सी बात बोल दूंगा आज यहाँ पर, फिर मैं बोलूंगा इसको फिर कभी, मैं उसमें पूरा नहीं आऊंगा। सीजे कृष्ण स्वामी का जीवन बड़ा दुर्भर जीवन था, बहुत मिजरेबल लाइफ थी उनकी, मैं इतना बोलता हूँ बस। वो जानते थे उनका जीवन क्या है, बड़ा कष्टकारी जीवन जीते थे, बहुत से ज्योतिष गुरुओं के जीवन के अंदर आपको एक बात मिलेगी देखने के लिए, उनके लड़के कुंवारे हैं, कहीं लड़कियां कुंवारी हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। गुजराती में एक बहुत खतरनाक कहावत है जिसको मैं आपको बोल दूं, जो ऐसा हो तो वैद्य के कभी मरे नहीं और ज्योतिष के कभी रंडाए नहीं। वैद्य ना मरे नहीं, ना ज्योतिष ना रंडाए नहीं, मतलब अल्टीमेटली ऑल माइटी इज ओवर आपके सिर पे है। वैद्य मतलब डॉक्टर का कोई मरे नहीं ना, अगर डॉक्टर ही सबको ठीक कर ले सब कुछ कर ले तो भी डॉक्टर के घर में कौन मरेगा, कोई नहीं मरेगा सबसे पहले। और ज्योतिष के घर में कोई विधवा नहीं होगा, विधुर नहीं होगा, इतना तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं होता, ये होता है, ये बहुत खतरनाक कहावत है गुजराती में। और सद्भाग्य है कि मैं गुजराती जगह पर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मेरी मदर लैंग्वेज गुजराती हो गई है और मैं हिंदी बोल लेता हूँ। खराब आप लोगों के बीच में जैसे हिंदी बोलता हूँ आप लोगों को पता चल जाता होगा हिंदी भाषा बराबर नहीं है, लेकिन सर बहुत अच्छी हिंदी है सर, आप बहुत प्योर शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हिंदी वाली कोई कमी है कहीं पे, काफी अच्छी है। और तो... और अंग्रेजी बोलना सप्तऋषि ने सिखा दिया। थैंक्स सर, मैं तो बदल चक्र को सर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अगर कुछ गलती हुई है भाई माफ कीजिएगा, बराबर है, बोलने चालने में थोड़ा क्या है, सेकंड हाउस में राहु है मेरे भी, मेरा बच्चा थोड़ा बोल देता है, मेरे भी राहु है सेकंड हाउस में, हाँ बहुत खतरनाक होता है, मुंह फटा होता है अपने लोगों का, अपने को बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, तो पानी पूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोलगप्पा
बड़ा वाला साइज का आ गया। सर आज काफी सेशन में है जिनका सेकंड हाउस में राहु है, इसके लिए मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा माना जाएगा? जी हाँ जी, वाक सिद्धि बोली जाती है सर शायद सेकंड हाउस में राहु। सर सेकंड में राहु तो अष्टम में केतु हो गया ना रिसर्च के लिए। देयर यू आर, ये देखो रोशनी बहन ने बताई बात। नहीं नहीं सर वाक सिद्धि भी होती है जी, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे मेरे गुरु भी बैठे हैं। हेलो, हाँ हमारे गुरु हैं यहाँ पर। वेरी गुड सर, सर मिलवाइए सर फिर। नहीं नहीं बोलूंगा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले उनसे कुछ बहुत कुछ सीखा मैंने। आई होप कि अगले बुक रिव्यू में भी आप ऐसे ही आए और कुछ सिखाएं। नेक्स्ट हमारा बुक रिव्यू होगा इस बुक पे लर्न एंड मास्टर एस्ट्रोलॉजी के लिए, बस ये क्लिक पे पढ़ो ठीक है। और जूम लिंक एंड अदर डिटेल्स वी विल अपलोड सून, वो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और एक ये भी बिगिनर्स के लिए ही है बुक, और यही टॉपिक्स आप इसमें मिलेंगे, बट एक अलग तरीके से सोचने का ना एक विजन आपके अंदर एक डेवलप होगा, तो वो हम करेंगे। इसके अंदर भी हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जैसे इस बार हमने कुछ प्रेडिक्टिव सूत्रास के बारे में पढ़ा इस बुक में, आई होप हम राशि या हाउसेस के बारे में हम कुछ नया सीखें ठीक है। तो बहुत जल्दी इसके डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो टिल देन सर एक मैंने अभी नितेश सर को व्हाट्सएप किया है, जो वैदिक कोर्स है उसमें थिंकिफिक में सर सैटरडे वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मेरे ख्याल से बीएनएन वाला लेक्चर ही अपलोड हो गया, तो जो सुनील सर ने लिया था सैटरडे का लेक्चर। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि बीएनएन का लेक्चर उसमें सर लोड है? वो सर लोड है मैम, लेकिन दूसरा डला है उसमें वैदिक वाला डला है। समृद्धि ये हुआ था दैट वो कॉमन लिया गया था बीएनएन और वैदिक वालों के लिए, बिकॉज सर सुनील सर राशि कर रहे थे। मैम मैं एक्चुअली वही लेक्चर देखने लगी हूं, तो डिफरेंट है लेक्चर, डिफरेंट है। मैं चेक कर लेता, बीएनएन का जो बैच था इस बार हिंदी वाला वो मर्ज हुआ। हाँ जी सर, मुझे पता है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो वो लेक्चर उसमें ऑलरेडी है, मैं दोबारा में फिर से क्रॉस चेक करा दूंगा। So, मैं एक बार फिर देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर तो मुझे डिफरेंट लगा, मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ। एक बार आप चेक कर लेना वैदिक बिगिनर्स का जो बैच है सैटरडे वाला, उसमें उनका भी एक राशि वाला लेक्चर है, बट वो इंग्लिश में है, मुझे एक ही जाना होगा ठीक है। और उनको हिंदी वाला लेक्चर भी उनके में डाला जाए। सर बेसिकली जो थर्सडे को हुआ था सर का थर्ड हाउस का, वो वाला लेक्चर नहीं है उसमें, थर्सडे वाला नहीं होगा ये। हाँ सर वो वाला नहीं है, थर्सडे वाला यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा सर, वो मेरा फर्स्ट लेक्चर था ना, तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं। नहीं नहीं दीप्ति जी, इसमें ऐसा करते हैं हम लोग कि जो आपके एक्चुअल क्लासेस हैं वो सैटरडे को होगी ठीक है। ओके सर, आप बीएनएन में है कि इसमें वैदिक में? सर वैदिक में। वैदिक में ना, तो आपका क्लास जो रेगुलर क्लास होगा वो ऑन एवरी सैटरडे 8:30 PM। ओके ओके, बाकी इसके अलावा जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना वो सब एडिशनल है, तो उसमें उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लेक्चर थिंकिफिक पे मिले, बट हाँ वो यूट्यूब पे जरूर डालेंगे। यूट्यूब पे डलेगा, फ्री अवेलेबल है, आप जब चाहे। हाँ सर, अभी मैंने यूट्यूब भी इसीलिए चेक किया, लेकिन शायद उस पे भी अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी अभी अपलोड नहीं हुआ है उसका। असाइनमेंट का मेल आया था। हाँ असाइनमेंट का, और सर मुझे अभी असाइनमेंट पता नहीं है, क्योंकि मेरा लॉग इन बीच में से ही कट गया था, मतलब इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था, तो वही है सर, डांट पड़ेगी। नहीं कोई इशू नहीं है, तो असाइनमेंट में काम करता हूँ ना, असाइनमेंट जो भी है एक बार आपको दोबारा मेल करवा देते हैं। ठीक है सर, एक बार असाइनमेंट का टॉपिक जो है जो सर ने बताया था वही मेल करवा दीजिए। हमें उस पर रिप्लाई भी करना। सर लास्ट क्लास के होमवर्क की बात कर रहे हो आप? सर ने मेल किया था कि होमवर्क आप सबमिट करिए, तो वो होमवर्क पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने मेरा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। मैं बता देती हूँ आपको समृद्धि, वो था सर कर रहे थे राहु की टेक्निक और मून थर्ड हाउस, मून से 11th हाउस।
मून से 11th हाउस जो भी रिलेटिव होता है उसका लंग का इशू आएगा, लंग वाला ही चल रहा था वो। हाँ हाँ, तो वो उसका आपको कुछ चार्ट्स में देख करके और रिजल्ट निकाल के और वो भेजना है होमवर्क। राहु की टेक्निक देखनी है आपने कि राहु किस घर में है और क्या स्पॉइल कर रहा है वहां पे, और 11th फ्रॉम मून का देखना है कि वो जो रिलेटिव आ रहे हैं उनका। हाँ, एरिस का भी तो बताया था सर ने, उसके ऊपर भी तो करना था एरिस असेंडेंट पे। नहीं नहीं, सर ने होमवर्क इन्हीं दो चीज का बोला था लास्ट, नहीं, नहीं, केवल राहु एरिस असेंडेंट का नहीं बताया था, केवल राहु और मून बोला था केवल। उससे पहले एक्चुअली थर्ड हाउस वाला था, थर्ड हाउस वाला था, फिर उसका फिफ्थ एस्पेक्ट, फिफ्थ एंड टेंथ।